बड़े खुश लग रहे हो भाई, नौकरी लग गई क्या? अरे लगने वाली है। जम्मू के यूथ को मोदी जी देंगे अग्निवीर योजना में 20% का कोटा और पंडित प्रेमनाथ डोगरा रोजगार योजना के तहत 5,00,000 नौकरियां। हाँ, क्योंकि जहाँ भाजपा वहाँ विकास। शांति, स्थिरता और विकास, जम्मू कश्मीर को मोदी पर विश्वास। जम्मू कश्मीर में असेंबली चुनाव का घमासान जारी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की आज एक भव्य रैली एमएस स्टेडियम जम्मू में होने जा रही है। भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से जो मेरी बात हुई, उन्होंने कहा कि यह रैली ऐतिहासिक होने जा रही है। ये रैली लोकसभा के चुनाव से भी बड़ी रैली होने जा रही है। पूरी ताकत भारतीय जनता पार्टी ने इस रैली को कामयाब करने के लिए झोंक दी है। इस रैली में संभवता एक तरफ जहां गृहमंत्री ने आतंकवादियों को लेकर यह कहा, हथियार छोड़ो बात बनेगी, अगर हथियार नहीं छोड़े तो मारे जाओगे। मेरे साथ भारतीय जनता पार्टी के नेता राकेश पंत जुड़े हुए। राकेश जी, मुझे ये बताइएगा, आपने कहा संकल्प पत्र में बिजली नजर नहीं आई मुझे। आप भी कह सकते थे 350 फ्री, कोई 300 दे रहा है फ्री, कोई 200 दे रहा है फ्री, कोई 350 दे रहा है। तो मान लीजिए आपका किसी के साथ गठजोड़ हो गया तो 300 उनका, 200 आपका, तो 550 हो जाता। लेकिन आपने अपने संकल्प पत्र में बिजली का जिक्र नहीं किया। राकेश जी, कारण? हमने बिजली का जिक्र किया है और किसानों के लिए किया है कि उनका जो एग्रीकल्चर से रिलेटेड जो उनका टैरिफ होगा उसको हम 50% तक कटेल डाउन करेंगे। और ये क्योंकि हमारा ये जो प्लेन एरिया है कृषि प्रधान है, चाहे वो जम्मू ले लीजिए, चाहे कश्मीर ले लीजिए, क्योंकि कश्मीर में भी बागवानी जो है वो होती है और जम्मू में जो है वो आम खेती जो है की जाती है। तो किसानों को रिलीफ देने के लिए 50% उनका जो माफी की बात करी गई है। और उसके बाद गरीब परिवारों के लिए जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनती है 8 तारीख को, तो हमने कहा है कि गरीब परिवारों के लिए एक योजना बनाई जाएगी जिसके अंतर्गत उनका जो किराया होगा उसको किसी तरह से कम करने की कोशिश की जाएगी और उनको रिलीफ पहुंचाने का इंतजाम किया जाएगा। और हम लोग केंद्र में आप मुफ्त बांटने के मूड में नहीं है, यहाँ तो 350 का भी वादा हो गया है, 200 का भी हो गया है। नहीं देखिए, हमने कहा कि ये मुफ्त बांटने की बात नहीं है। हम मसला ये है वो आम जनता जिसकी भारतीय जनता पार्टी बात करती है और जो भारतीय जनता पार्टी का एक मूल मंत्र है कि पंक्ति में खड़े हुए आखिरी व्यक्ति तक योजनाओं का लाभ पहुंचना चाहिए, तो ये मुफ्त वाली बात नहीं है। हमने कहा है कि जो गरीब तबका है, जो नीडी लोग हैं, उनको किसी ना किसी तरह से इन योजनाओं का लाभ पहुंचाने की कोशिश की जाएगी। और फिर जुनेद भाई, एक बात हम लोग हमेशा भूल जाते हैं कि ये डबल इंजन की सरकार आने वाली है। केंद्र में भी हम हैं और जम्मू कश्मीर में भी हम होंगे और ये जो जितने संकल्प पत्र में जो योजनाएं और जो वादे किए गए हैं उनको पूरी शिद्दत के साथ प्रधानमंत्री जी का अगुवाई में पूरा भी किया जाए। राकेश जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपने संकल्प पत्र को लेकर बात करने के लिए। तो आपने सुन लिया राकेश पंत, संकल्प पत्र में भारतीय जनता पार्टी के बाकी जितने भी वादे हैं वो संभव है, वो किए जा सकते हैं और जो बातें की भी गई हैं इन बातों के लिए बहुत सारे पैसे की जरूरत होगी। अब आप सोचिए, जिस जम्मू कश्मीर में आप लगभग 9,000 करोड़ की बिजली खरीदते हो और उसके बाद आप उस बिजली को खरीदने के लिए मुझसे और आपसे और सरकारी जितने भी डिपार्टमेंट हैं उन डिपार्टमेंटों से जो रेवेन्यू जमा होता है उस रेवेन्यू से बिजली खरीदना तो दूर की बात है, बिजली का जो इक्विपमेंट लगा हुआ है, जो बिजली का सेटअप है, उस बिजली के सेटअप को प्रॉपरली मेंटेन करना भी मुमकिन नहीं है। 9,000 करोड़ की आप बिजली खरीद रहे हैं, 3,000 करोड़ या 3,500 करोड़ के करीब करीब आपका रेवेन्यू है, लगभग 6,000 करोड़ के आसपास आज भी आपका खसारा है। तो आप कहां से 250 यूनिट या 300 यूनिट बिजली फ्री देंगे? और मेरे साथ इस समय कांग्रेस के नेता जगदीप सिंह भी जुड़ चुके हैं और उनसे उनका संकल्प पत्र, उनका मैनिफेस्टो भी बिल्कुल मेरे सामने है। पहले आपको, कांग्रेस ने कहा है हाथ बदलेगा हालात। इस हाथ बदले के हालात मैनिफेस्टो की खास बात यह है, इस हाथ बदलेगा हालात में जम्मू कश्मीर को केंद्र शासित प्रदेश यानी यूनियन टेरिटरी मानकर कांग्रेस ने वही बातें करी हैं जो यूनियन टेरिटरी में संभव है, लेकिन एक बात कही है कि हम केंद्र सरकार के साथ बात करके जो हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट जम्मू कश्मीर के हैं
उन्हें वापस लाएंगे। और उसके अलावा ये भी कहा गया कि एडिशनल पिकेट्स भी अलग अलग जगहों पर हम लोग लगाएंगे और करप्शन के ऊपर एक वाइट पेपर लेकर आएंगे और 100 दिनों के अंदर अंदर जम्मू कश्मीर में लोक आयुक्त नियुक्त करेंगे। मेडिकल में तो पहले से काफी तरक्की हो गई है, अभी तो और भी होगी भाई साहब, क्योंकि मोदी जी देंगे अब 7 लाख का आयुष्मान कार्ड, महाराजा हरी सिंह योजना के तहत अब मुफ्त एक्सीडेंटल इंश्योरेंस और 1000 नए अतिरिक्त मेडिकल सीट्स भी। सच में? हाँ, क्योंकि जहाँ भाजपा वहाँ विकास, शांति स्थिरता और विकास, जम्मू कश्मीर को मोदी पर विश्वास। दीप जी स्वागत है आपका गुड मॉर्निंग इंडिया में। यादव मॉर्निंग जगदीप जी, मुझे ये बताइएगा आपने मान लिया है जम्मू कश्मीर को यूनियन टेरिटरी? आपके नेता तो अलग अलग जनसभाओं को संबोधित करते हुए कहते हैं कि पूर्ण राज्य का दर्जा, जनसभाओं को संबोधित करते हुए तो अब सारे वादे कर रहे हैं, लेकिन आपके मैनिफेस्टो में सारे वादे इरादे यूनियन टेरिटरी के हैं, तो क्या मान लिया आपने कि यूनियन टेरिटरी है, यूनियन टेरिटरी ही रहेगी, इससे आगे हम लोग बढ़ नहीं सकते? चलिए वही बात करते हैं जो बात यूनियन टेरिटरी में मुमकिन है। जाहिद भाई देखिए, पहली तो बात ये कि मेरा मन था कि आज जिस तरीके से अभी भाजपा के घोषणा पत्र पर बात हो रही थी, तो ये मैं मानकर चलता हूँ कि ये निर्लज्जता का एक ऐसा अमृत काल है कि झूठ पे झूठ बोलने से ये लोग बाज नहीं आते। पर चलिए, अब आप हम पे पहले बात करना चाहते हैं तो इसी पे आ जाते हैं। सबसे पहली बात आप मुझे ये बता दें बराए मेहरबानी कि आपको कैसे ये आभास हुआ कि हमारे घोषणा पत्र से ये इंगित हो रहा है कि हम जो है वो यूनियन टेरिटरी के हिसाब से ये वादा कर रहे हैं। यद्यपि माननीय राहुल गांधी साहब ने और तमाम बड़े शीर्ष नेतृत्व ने ये साफ कर कि एक तरफ तो हम कोशिश ये करेंगे कि मरकज में बैठी सरकार पर जोर डाला जाए, और दूसरा वैसे भी ये जग विदित बात है, बैसाखियों पर खड़ी ये सरकार मरकज की मोदी सरकार कितना अरसा और चल पाएगी, ये एक बड़ा यक्ष प्रश्न है। तो मैं मानकर चल रहा हूं कि हमारी प्राथमिकता जो है वो पेटूड है, और इसमें इस घोषणा पत्र से तुलनात्मक ढंग से आप कैसे आपने ये अंदाजा लगाया, ये मेरी समझ से परे है। आपने अपना मैनिफेस्टो पढ़ा है? बिल्कुल पढ़ा है। आपके मैनिफेस्टो एक एक शब्द पढ़ा, आपके मैनिफेस्टो में लिखा हुआ है वी विल गिव फर्स्ट प्रेफरेंस टू दोज डोमिसाइल्ड इन जम्मू एंड कश्मीर फॉर जॉब्स, गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट्स, लैंड एलोकेशन एंड नेचुरल रिसोर्स कंसेशंस। जब आप डोमिसाइल की बात करते हैं तो आप केंद्र शासित जम्मू कश्मीर प्रदेश की, जम्मू कश्मीर की बात करते हैं। जब आप अपने घोषणा पत्र में होम डिपार्टमेंट को लेकर केवल ये कहते हैं कि कुछ पिकटें बढ़ाने का हम लोग काम करेंगे, जब आप अपने घोषणा पत्र में दरबार मुंह की बात करते हैं, जब आप अपने घोषणा पत्र में बाकी तमाम वादे करते हैं, वो सारे वादे सीधा लगता है कि आप मान चुके हैं कि यूनियन टेरिटरी है, लंबे समय तक यूनियन टेरिटरी ही रहेगी, इसीलिए आपका घोषणा पत्र ऐसा, ये सवाल है मेरा। और जहां तक भारतीय जनता पार्टी का ताल्लुक है, इस आज के गुड मॉर्निंग इंडिया में केवल आपके घोषणा पत्र पर आपसे बात होगी और बीजेपी के घोषणा पत्र पर बीजेपी से बात हो, तभी मैंने आपसे पूछा कि क्या आप मान चुके हैं यूनियन टेरिटरी है, यूनियन टेरिटरी ही रहेगा, इससे आगे नहीं बढ़ पाएगा। ऑलराइट जाहिद भाई, एज यू सेड कि यू आर जस्ट ट्राइंग टू रूमिनेट इट एंड यू आर सेइंग कि यू जस्ट ट्राई टू अज्यूम इट कि इसमें डोमिसाइल की बात की गई है, तो इट कुड बी कि वी आर टॉकिंग अबाउट आर, हमारा जो प्रेफरेंस है लॉन्ग रन में यूनियन टेरिटरी का। देखिए एक बात बताइए, कल को स्टेटहुड मिलता है तो जो लाखों डोमिसाइल बांटे गए हैं उनको एकाएक रद्द तो नहीं कर दिया जाएगा? ठीक, आप इस बात को समझिए। अगर उसमें ये कहा जा रहा है कि अगर डोमिसाइल जो मिले हुए हैं लोगों को उसमें प्राथमिकता उनकी रहेगी जो लोग यहाँ के स्थायी निवासी थे पहले, मुझे जो लग रहा है। दूसरा आप देखिए, इसी तरीके से आप अजम्पशन बना रहे हैं कि जो बाकी की चीजें जैसे आपने जिक्र किया, जो भी आप हवाला दे रहे हैं, मेरा एक चीज मानना है, एक तो आप पूरे देश में ये देखिए, और एक सर्वे हुआ है किसी एक बड़े मीडिया हाउस ने किया था, उसमें ये साबित हुआ कि अगर कोई पार्टी अब तक जितने भी चुनावी वादे करके उस पर खरा उतर पाई है, सबसे बेहतर हो पाई है, तो वो कांग्रेस है, ये आप पता कर सकते हैं। दूसरी बात, मेरा ये मानना है कि हमने जिन भी बातों पर बात की, आप अभी घोषणा पत्र की बात कर रहे थे, I was a member of that committee and while framing this manifesto, we had gone so comprehensively and so penetrately among the masses, we had discussed it with different parts of the society. आप मेरे साथ जुड़े रहिए, हम लोग एक छोटे से ब्रेक के लिए जाएंगे और ब्रेक के बाद आप कंटिन्यू कीजिएगा, जो बात आप कर रहे हैं उसको मुकम्मल कीजिएगा, फिर जाकर मैं आप सवाल पूछूंगा। तो हमारे साथ जगदीप जी जुड़े हुए कांग्रेस से, सवाल कांग्रेस से यही कि आपके मैनिफेस्टो में जो बातें की गई हैं, आपने यूनियन टेरिटरी को मान लिया
और सवाल उनसे ये भी होगा कि आप भी क्या मानते हैं कि महाराजा हरि सिंह को कांग्रेस ने जम्मू कश्मीर से निकाल दिया था। मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। हेलो गाइस, आज जम्मू कश्मीर में वोटिंग के दिन, देखते हैं आज हमारे घर में कौन किसको वोट देगा। छोटे, तू किसको वोट देगा? मोदी जी को। मोदी जी देंगे अग्निवीरों को जम्मू सरकारी नौकरी में 20% का कोटा, जम्मू को आईटी हब बनाएंगे और यहाँ मेट्रो भी लाएंगे। भाभी आप? बस मोदी जी को। मोदी जी देंगे जरूरतमंदों को अटल आवास योजना के तहत 5 मरला जमीन। मोदी जी आई। मोदी जी और कोई है ऐसा? मोदी जी देंगे सालाना 2 LPG सिलेंडर गैस, वो भी बिल्कुल मुफ्त, तो रसोई चलाना होगा और भी आसान। और मैं मोदी जी को। मोदी जी देंगे इस बार मेडिकल में 1000 एक्स्ट्रा सीट, किसी ने भी आज तक ऐसा नहीं किया। और भैया आप? मोदी जी, अरे मोदी जी देंगे किसान सम्मान निधि से 10,000 और हर एक किसान को कृषि उपकरण और खाद में मिलेगी सब्सिडी और खेती हो जाएगी और भी बेहतर। और दादी आप? मोदी जी को। वो देंगे 3,000 पेंशन और मास सम्मान योजना का सालाना 18,000। और भैया आप किसे देंगे वोट? मोदी जी को, जो देंगे UPSC JKPSC स्टूडेंट्स को 10,000 का कोचिंग खर्चा और आने जाने का 3,000 सीधा बैंक खाते में। और दादाजी आप किसे वोट देंगे? केवल मोदी जी को, वो बचाएंगे हमारी संस्कृति और सभ्यता और रखेंगे हम सब के परिवारों को सुरक्षित। और मैं भी मोदी जी को। वो देंगे 7 लाख का आयुष्मान कार्ड, जिससे मैं अपने परिवार के स्वास्थ्य का ख्याल रख पाऊंगा। क्यों बाबूजी? चल अब तू बता, तू आज अपना पहला वोट किसे देने जाएगी? मैं मोदी जी को। मोदी जी देंगे लाखों स्टूडेंट्स को लैपटॉप्स, टैबलेट्स, यानी एजुकेशन बनेगी डिजिटल। अब चलें, मोदी जी इंतजार कर रहे हैं। चलो दादाजी। शांति, स्थिरता और विकास, जम्मू कश्मीर को मोदी पर विश्वास।